वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो यह हेल्दी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि फॉर्मेशन है केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स की, जिसे कि हम अमाइनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स मसल्स की बिल्डिंग और रिपेयर का काम हमारे शरीर में करते हैं। इसी के साथ यह हमारी बॉडी के द्वारा एनर्जी सोर्सेस के रूप में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। फ्रेंड्स, बात करें प्रोटीन की तो यह बॉडी की डेवलपमेंट और बॉडी की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जनरली प्रोटीन 20 अमाइनो एसिड्स द्वारा हमारी बॉडी में तैयार होती है, जिनमें अगर हम बात करें तो 10 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के द्वारा तैयार किए जाते हैं तथा बचे हुए 10 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में फूड आइटम्स के द्वारा तैयार होते हैं। इसी के साथ 15% बॉडी पार्ट प्रोटीन्स के द्वारा बनाए जाते हैं। सभी प्रोटीन्स कैरियर्स में नाइट्रोजन की मौजूदगी रहती है। फ्रेंड्स, जनरली अगर हम बात करें प्रोटीन के सोर्सेज की तो ये हमें वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वेजिटेरियन सोर्सेज में तो यह सोयाबीन में, दूध में, मसूर, चना, मटर व दालों के में अगर हम बात करें तो मूंग, मसूर, उड़द, राजमा तथा गेहूं और मक्का में ये हमें मिलती है। इसी के साथ अगर हम बात करें नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की तो जिसमें कि चिकन, मछली, अंडा जैसी चीज़ों से भी हमें प्रोटीन बॉडी के लिए प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के लिए कितनी मात्रा में प्रोटीन ज़रूरी है या बताई गई प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स में हमें प्रोटीन की मात्रा कितनी कितनी देखने को मिल सकती है, उससे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन के कुछ इम्पॉर्टेंट रोल्स के बारे में तथा साथ ही बात करेंगे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग व प्रोटीन की ओवरडोज के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य के बारे में। प्रोटीन बॉडी में सेल व प्रोटोप्लाज्म के साथ साथ टिश्यू के निर्माण में अपना रोल प्ले करता है तथा इसी के साथ आवश्यकता पड़ने पर यह शरीर को एनर्जी भी प्रदान करता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में स्किन, ब्लड तथा मसल्स के साथ साथ बोन्स को व बोन्स की सेल्स के लिए व उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ यह बॉडी में कंडक्शन में भी अपना रोल प्ले करता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों में अगर बात करें तो छोटे बच्चों में क्वाशियर्कर व मेरास्मस नाम की डिजीज़ प्रोटीन की कमी से देखने को मिल सकती है, जिसमें कि मेरास्मस डिजीज़ में बात करें तो इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं तथा बात करें क्वाशियर्कर डिजीज़ की तो इसमें बच्चों के हाथ पाँव का दुबलापन व बच्चों का पेट बाहर की ओर निकल जाता है तथा इसी के साथ बॉडी के अंदर कीटोन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही विषैला व बॉडी के लिए हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होता है। आइए अब बात करते हैं प्रोटीन की ओवरडोज के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में। प्रोटीन के कारण होने वाली ओवरडोज डिजीज़ में ज़्यादा प्रोटीन बॉडी में लेने से शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है तथा पेशेंट को स्ट्रोक व कैंसर भी हो सकता है। इसी के साथ बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाने से कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल डिक्रीज हो जाता है और शरीर को फाइबर कम मात्रा में मिलता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन की मात्रा कितनी अमाउंट में होनी चाहिए।
जनरली अगर हम बात करें तो नॉर्मल बॉडी के लिए 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रोटीन बॉडी में जाना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, यदि किसी वयस्क व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम का है तो उसे 40 से 45 ग्राम तक प्रोटीन बॉडी में जाना जरूरी है। इसी के साथ अगर वह कोई फिजिकल एक्टिविटी लार्ज अमाउंट में करता है तो उसे 1.5 से लेकर के 2 ग्राम तक अमाउंट की प्रोटीन बॉडी में जाना जरूरी है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रोटीन रिच फूड्स आइटम्स के बारे में। प्रोटीन रिच फूड आइटम्स में अगर हम सबसे पहले बात करें एग्स की, तो इसमें हमें प्रोटीन 6 ग्राम तक देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर हम बात करें अंडे के प्रोटीन रिच पार्ट्स की, तो अंडे के सफ़ेद हिस्से में हमें 4 ग्राम तक का प्रोटीन देखने को मिलता है व अंडे के पीले भाग में हमें 2 ग्राम तक की प्रोटीन के साथ साथ 5 ग्राम फैट भी हमें अवेलेबल होता है। साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो अंडे का सफ़ेद वाला हिस्सा प्रोटीन रिच डाइट में ऐड किया जाता है, क्योंकि अंडे का सफ़ेद हिस्सा प्रोटीन के चलते बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होता है। प्रोटीन के साथ साथ अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आप अंडे का पीला वाला हिस्सा भी ऐड कर सकते हैं, जो कि वजन बढ़ाने में कारगर सिद्ध है। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि अंडे कितनी मात्रा में खाने चाहिए। अगर जनरली हम बात करें कि अंडे का सफ़ेद हिस्से के साथ अगर आप अंडे का पीला भाग भी खाने में शामिल करते हैं तो 4 अंडों से ज़्यादा खाने में इस्तेमाल ना करें, तथा अगर केवल प्रोटीन रिच डाइट की हम बात करें तो अंडे का सफ़ेद वाला हिस्सा, इसमें हम जनरली 8 से 10 अंडे एक दिन में इस्तेमाल में ला सकते हैं। प्रोटीन रिच फूड्स में अब बात करते हैं सोयाबीन की, तो सोयाबीन एक वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जिसमें कि अगर बात करें सोयाबीन की तो 100 ग्राम सोयाबीन में हमें लगभग 50 से 52 ग्राम तक प्रोटीन देखने को मिलता है। इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट 33 से 33 ग्राम तक देखने को मिलता है। प्रोटीन रिच डाइट में अब बात करते हैं मूंगफली की, यानी कि ग्राउंड नट की। ग्राउंड नट में हम प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो ये हमें 25 से 28 ग्राम तक देखने को मिलती है। इसी के साथ इसमें 14 से 16 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद रहता है। ग्राउंड नट की प्रोटीन रिच डाइट्स के साथ साथ यह वेट गेन करने में भी सहायक है, क्योंकि इसमें फैट 50 ग्राम तक मौजूद होता है। दोस्तों, अगर आप लेने के लिए अगर ग्राउंड नट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रहे, ग्राउंड नट वेट इंक्रीज करने में भी अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें 50 ग्राम तक फैट हमें देखने को मिलता है। साधारण तौर पर बात करते हैं कि अगर कोई अपना वजन घटाना चाहता हो तो उसे मूंगफली का इस्तेमाल ना के बराबर करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर प्रोटीन रिच डाइट्स में हम दाल की बात करें तो लगभग सभी दालों में हमें 24 से 28 ग्राम तक हमें प्रोटीन देखने को मिलता है। इसी के साथ उसमें कार्बोहाइड्रेट 65 ग्राम व फैट 1.2 ग्राम तक मौजूद होता है। प्रेजेंस ऑफ फैट दाल व मूंगफली में वजन बढ़ाने में भी अपना रोल प्ले करता है। बात करते हैं अगले प्रोटीन रिच फूड्स की, तो पनीर। पनीर में प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम पनीर में हमें 18 ग्राम तक प्रोटीन देखने को मिलती है। इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 5.5 से 6 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स व लगभग 21 ग्राम तक हमें फैट भी देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें पनीर की तो इसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड, अगर कहें तो 9 के 9 अमीनो एसिड पनीर में हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रोटीन युक्त फूड आइटम की, तो
आधा लीटर दूध में हमें 17 से 18 ग्राम तक प्रोटीन व 20 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट तथा 5 ग्राम फैट भी देखने को मिलते हैं। जनरली बात करें दूध की तो कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स व फैट्स हमें दूध में नॉर्मली देखने को मिलते हैं। अगर बात करें प्रोटीन्स की मिल्क में तो यह स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए इसका इस्तेमाल शाम को खाना खाने से पहले नहीं करना चाहिए। अतः सोने के 10 से 15 मिनट पहले दूध का इस्तेमाल करना ज़रूरी है अगर स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन की इनटेक कोई लेना चाहता हो। इसी के साथ यदि बात करें चिकन ब्रेस्ट की तो 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में हमें 31 ग्राम तक प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट 35 ग्राम तक देखने को मिलते हैं। साथ ही सी फूड्स के साथ साथ मछली में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना प्रोटीन व प्रोटीन से होने वाले फ़ायदे और इससे होने वाले नुकसान के साथ साथ यह हमारी बॉडी में कितनी मात्रा में अवेलेबल होना ज़रूरी है व किस किस फूड आइटम्स में कितनी मात्रा में हमें देखने को मिलता है। अगर बताई गई वीडियो आपको इनफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।